हेलो फ्रेंड्स और वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। इन द प्रीवियस क्लास वी हैव स्टडीड अबाउट इलेक्ट्रिक फ्यूज, तो आई होप कि आप सभी को वो टॉपिक समझ आ गया होगा। सो वी शुड कंटिन्यू आवर नेक्स्ट टॉपिक इन दिस क्लास। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज CFL, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। अब ये क्या होता है कि जो हमारे CFL बल्ब, पहले क्या होता था, हमारे 0 वाट के बल्ब होते थे, उसके अंदर से हीट भी ज्यादा निकलती थी, ठीक है, और हमारी एनर्जी भी ज्यादा वेस्ट होती थी, तो मतलब उसके अंदर डिसएडवांटेज ज्यादा थे। लेकिन अब हमारे आ गए हैं CFL, तो इसके अंदर क्या है, बहुत सारे हमारे पास बेनिफिट्स मिलते हैं हमारे को देखने को, और भी इससे भी हमारी एनर्जी भी कंज्यूम ज्यादा नहीं होती, ठीक है, हीट भी ज्यादा नहीं निकलती, तो इसके अंदर बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो स्टडी करते हैं। CFLs do not work on the heating effect of electric current. लास्ट से लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, लेकिन उसी को समझते हुए अब हम बात करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे। ये जो हमारा CFL बल्ब होते हैं, ये काम नहीं करते। मतलब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का क्या मतलब था कि ऐसी कोई भी चीज जिसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास हो और उसको हीट हो जाए, तो ये जो बल्ब होते हैं ये हीट नहीं होते, ठीक है, ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे काम नहीं करते। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, दे डो नॉट हैव अ फिलामेंट इनसाइड देम, इंस्टेड दे कंटेन टू इलेक्ट्रोड्स दैट प्रोड्यूस लाइट। अब इनके अंदर कोई ऐसी फिलामेंट नहीं होता, ठीक है, इनके अंदर कोई ऐसा फिलामेंट नहीं होता। इसके अंदर क्या होती है, दो इलेक्ट्रोड्स होती है, उसके अंदर क्या थी, छोटी सी वायर जिसे बोला था हमने फिलामेंट, तो वो इसके अंदर नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि हमारे जो CFL होते हैं वो कुछ इस तरीके के होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, दीज बल्ब हैव अ फ्लोरोसेंट कोटिंग इनसाइड देम व्हिच मेक्स द लाइट ब्राइटर। इसके अंदर क्या होती है, कोटिंग होती है, ठीक है, किस चीज की, फ्लोरोसेंट की, जिसकी वजह से ये हमारे को क्या है, ब्राइटर दिखते हैं, व्हाइट दिखते हैं। व्हाइट दिखने का मेन रीजन क्या है, इनके अंदर फ्लोरोसेंट की कोटिंग हुई हुई है। नेक्स्ट पॉइंट, CFLs thus save energy as they do not produce heat along with the light. अब ये जो CFL होते हैं ये क्या है, ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, और इसके अंदर जो एनर्जी है वो कम कंज्यूम होती है, लाइट ज्यादा मिलती है, ठीक है, समझ आ गया आपको, फिगर में दिख रहा है, ठीक है, ये हमारा व्हाइट लाइट, हमारे CFLs होते हैं जो कि हमारी एनर्जी को सेव करते हैं और हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे काम नहीं करते। तो अब हम कंटिन्यू करते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट, ऑर्डिनरी बल्ब ऑन द अदर हैंड वेस्ट एनर्जी एज दे गेट हीटेड बाय लाइटिंग अप। अब जितने भी हमारे ऑर्डिनरी बल्ब होते हैं, जितने भी हमारे 0 वाट के बल्ब और भी बहुत सारे बल्ब होते हैं, वो क्या करते हैं, हमारी एनर्जी वेस्ट करते हैं, ठीक है। एनर्जी वेस्ट कैसे होती है, क्योंकि वो जलते हुए क्या करते हैं, अपने साथ हीट लेके आते हैं, ठीक है, जब वो जलते हैं तो क्या है, गर्म हो जाते हैं, उसी की वजह से उसके अंदर ज्यादा एनर्जी कंज्यूम होती है और उसकी जो लाइट होती है वो इतनी ज्यादा नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट, डिफरेंट सब्सटेंसेस व्हेन मिक्स्ड इन वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू देम कैन ब्रेक अपार्ट एंड फॉर्म पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्टिकल्स और आयंस इन वाटर, ठीक है। अब जो भी हमारे डिफरेंट सब्सटेंसेस होते हैं, जब उनको वाटर में मिक्स करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो क्या है, जो हमारे नेगेटिव आयंस है वाटर के अंदर, वो क्या है, ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है, समझ आ गया आपको। ये था हमारा CFLs, CFLs जो बल्ब होते हैं जो हम यूज करते हैं। लेकिन आज के समय में एक और नई तरीके के बल्ब आ गए जिसे बोलते हैं LED बल्ब, ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि LED बल्ब क्या होते हैं। तो नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं, व्हाट इज एन ISI मार्क। अब जो हमारा ISI मार्क होता है वो क्या होता है, आप सभी को पता होगा या फिर नहीं पता होगा तो आज पता चल जाएगा। ISI मार्क हमारा एक ऐसा मार्क होता है, जितनी भी हमारी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होती हैं उन सभी पर क्या होता है, हमारा ISI मार्क। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, 2 फिगर्स दिख रही हैं, ऊपर आपको दिख रहा है जो हमारा गीजर, उसपे क्या है, ISI मार्क नहीं है, लेकिन नीचे आपको देखोगे तो उसपे क्या है, हमारा ISI मार्क, ठीक है, ये हमारा ISI मार्क होता है। तो ये होना कंपल्सरी है, अगर ये नहीं है तो जो हमारी आइटम है उसको हम यूज नहीं कर सकते, ठीक है, हमारे को यूज नहीं करनी चाहिए। अगर हमने इसको यूज किया, अगर इसके अंदर कोई दिक्कत आई तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन जो ISI मार्क होता है उसके थ्रू हम क्या है, कंप्लेंट कर सकते हैं और प्रोडक्ट हमारा रजिस्टर्ड होता है, वही सेफ टू यूज होता है, तो हमारे को ISI मार्क वाले प्रोडक्ट का यूज करना चाहिए, ठीक है। ये हमारा जो गीजर है ये क्या है, ओरिजिनल, जो हमारा रजिस्टर्ड है। अब हम पढ़ते हैं, ISI stands for Indian Standard Institute।
अब जो हमारा ISI होता है वो क्या होता है, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, मतलब एक ऐसा इंस्टीट्यूट, एक ऐसा ऑफिस बनाया गया है जिसके अंदर बताया गया है कि जितनी भी आपकी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, ठीक है, उनको आपको किस तरीके से यूज करना चाहिए, कौन सी आइटम्स आपके लिए सेफ फॉर यूज है, which standardized or electric appliances. Next point, if any appliance does not have an ISI mark over it, it means this appliance does not conform to the standard guidelines of the ISI. Hence, it is not safe to us. ठीक है, अगर हम कोई भी एक ऐसी चीज यूज कर रहे हैं तो उसमें क्या है, हमारा रिस्क ज्यादा है, ठीक है, कोई भी दिक्कत आने के चांसेस ज्यादा है. तो नेक्स्ट पॉइंट, इफ एनी अप्लाइंस होल्ड सच अ ISI mark, it means that is safe to use, it is a quality product. It will not lead to wastage of electricity. ठीक है, इन सब की चीजों की वजह से हमारी जो एनर्जी है, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है, वो भी वेस्ट नहीं होगी. तो हमारे को क्या करना चाहिए, जब भी हम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक परचेज करने जाने, ठीक है, जब भी हम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को परचेज करें, तो हमारे को ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी हम प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं उस पर क्या होना चाहिए, ISI मार्क. बिना ISI मार्क वाले प्रोडक्ट को ना परचेज करें, ठीक है, उनकी कॉस्ट तो थोड़ी सी कम होती है लेकिन वो क्या है, हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, हमारी इलेक्ट्रिसिटी को भी ज्यादा वेस्ट करते हैं और उसकी कोई गारंटी भी नहीं होती. सो ऑलवेज वी शुड परचेज द ISI मार्क प्रोडक्ट्स, ठीक है, ऑन इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स. सो दिस इज द टॉपिक ऑफ आर CFS एंड ISI मार्क. अब जो हमारे LED बल्ब होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, वो हमारे 7 वॉट के भी आते हैं, 9 वॉट के भी आते हैं, उसमें भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स होती है, ठीक है, उसमें जो यूनिट्स होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है. तो उसके अंदर जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है वो इससे ज्यादा सेव होती है और जो उसकी लाइट होती है वो अलग ही होती है. तो आज के टाइम पर हमारे को LED बल्ब का यूज करना चाहिए. तो आज का हमारा टॉपिक था ISI मार्क और था हमारा CFL. I hope कि आप सभी को समझ आ गया होगा. That's all for today. Thank you.